My dear viewers, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Welcome to my channel Learn and Earn. जी, आज मेरा टॉपिक है टॉप 10 मोस्ट यूनिक एनिमल्स। अब आज मैं अपने थोड़ा सा कंप्यूटर से हटके आई हूँ ताकि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूँ। अब ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और मेरा चैनल लर्न एंड अर्न को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। इस जो मेरा आज का टॉपिक है उसका छोटा सा मैं इंट्रो दे देती हूँ कि आखिर ये टॉपिक है क्या। जी, ज़िंदगी खुदा का दिया हुआ एक बहुत खूबसूरत और हसीन तोहफा है जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ हैवान भी, दुनिया में हैवान भी मौजूद है जिनको, जिनमें से बहुत से लोग उनमें से कुछ हैवानात को पालना भी पसंद करते हैं, जैसे कैट्स हो गई, डॉग हो गए, हॉर्सेस हो गए। ये कुछ हैवान हैं, यानी कि कुछ क्रिएचर हैं खुदा के जो जिनको लोग पालना भी पसंद करते हैं। तो आज मैं उनमें से कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि जिनके बारे में बहुत से लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। वो बहुत यूनिक और रेयर हैं। उनमें से कुछ तो अब नापैद हो गए हैं और कुछ जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं दुनिया के एक कोने में। तो चलिए आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ आइंदा शेयर करूंगी अब, और उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि आप लोग और भी लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो चलिए आइए अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1, पेंगोलिन। अब ये आपने पहले देखा नहीं होगा कभी भी, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने देखा भी होगा। तो ये जो पेंगोलिन है ये एक डायनासोर की ही स्पीशीज में से इसका ताल्लुक है और ये ज़्यादातर जो है वो जंगलों वगैरह में ही पाया जाता है। अब तो ये बहुत से ऐसे हैं जो कि ये नापैद हो गए क्योंकि लोग इनका शिकार करते थे और इन्हें आगे सेल आउट करते थे, इस वजह से अब ये बहुत कम रह गए हैं, एक या दो रह गए होंगे दुनिया में। तो चलिए आइए मैं आपको इसकी थोड़ी सी लुक भी दिखा देती हूँ। लेट्स हैव अ लुक। नंबर 2, साइगा एंटीलोप। जी, जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये डियर की नस्ल से ताल्लुक रखता है या ये डियर की स्पीशीज से इनका ताल्लुक होता है। ये जैसे बारहसिंगा हो गए, डियर्स हो गए, ये उनकी स्पीशीज का एनिमल है। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि ये कैसा है। नंबर 3, ग्लोइंग सी टर्टल। जी, ये बहुत क्यूट स्पीशीज है अल्लाह ताला की और देखने में भी ये बहुत क्यूट लगता है। और इसकी खासियत ये है, कुदरत देखे अल्लाह ताला की, कि ये ग्लो भी करता है सी में, समंदर में ये ग्लो भी करता है। तो लेट्स हैव अ लुक। ग्लास फ्रॉग। जी, ये फ्रॉग ग्लास से तो नहीं बना हुआ लेकिन इसका नाम है ग्लास फ्रॉग। अब ये क्या होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में, लेकिन आपको बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा शाइनी है और इसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा शाइन करती है, इस वजह से इसका नाम ग्लास फ्रॉग पड़ा हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं। नंबर 5, सनफिश। जी, इसका नाम सनफिश इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल सन जैसी है। ये देखिए आप, इसके साइड पे आपको नजर आएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल जैसे सन की रेज होती है वैसे इसकी भी रेज है, दैट्स व्हाई इसको सनफिश कहा जाता है। तो चलिए आइए वीडियो में देखते हैं कि ये कैसे हरकत करती है। नंबर 6, लॉन्ग हॉर्न स्पाइडर। जी, अगर आप
पिक्चर में देखें तो आपको जैसे सींग होते हैं लंबे लंबे डियर के, वैसे इसके भी सींग हैं, तो इसलिए इसका नाम है लॉन्ग हॉर्न स्पाइडर। तो चलिए आइए इसकी भी वीडियो देखते हैं, वहां से आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी ये कैसा है। नंबर 7 घारिया। जी ये एलिगेटर और क्रोकोडाइल जो है उसका मिक्सचर है, उसी की स्पीशीज का एक एनिमल है। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो में। नंबर 8 एक्सोलोटल। जी ये बहुत क्यूट सी स्पीशीज है और लोग इसको पेट भी रखते हैं, एज अ पेट भी रखते हैं घर में। जैसे फिश होती है, ये फिश और फ्रॉग की कॉम्बिनेशन समझ लें आप। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये ऐसा लगे जैसे फिश है लेकिन साथ में इसके हैंड्स भी हैं जैसे फ्रॉग के होते हैं, तो ये फिश और फ्रॉग की मिक्सचर है। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो में। नंबर 9 पेबरुसा। जी ये क्या है, ये पिक्की स्पीशीज से ताल्लुक रखता है इसका, ये वैसा ही है उसी की नस्ल से ये बिलोंग करता है। तो चलिए आइए वीडियो में देखते हैं कि ये कैसा है। नंबर 10 रेड लिपिड बैट फिश। जी जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि ये बैट फिश इसलिए कहलाती है क्योंकि इसकी शक्ल जो है या इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल एक चमगादड़ यानी बैट के जैसा है, सो दैट इसको बैट फिश कहा जाता है। तो लेट्स हैव अ लुक इन वीडियो। जी व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप इससे इंफॉर्मेशन हासिल करते रहें। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, सी या, बाय फॉर नाउ।